अच्छा तो ये अगर आंखें खोल के बंदा गाना गाए तो वो नहीं गाया जाता सही, सारा गाना अपने आंखें बंद कर, नहीं कोई हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, तो मैंने कहा कि आंखें बंद करके गाने की क्या। एक्चुअली मैं प्ले कर रही थी, दैट्स व्हाई मैंने आंखें बंद, गुम हो के गाना पसंद किया आपने। वाह वाह वाह, अच्छी बात। आप कैसे गाना प्रेफर करती हैं, आंखें खोल के या बंद करके? अगर नहीं, अगर कोई बेहतर शक्लें बैठी हो तो खोल भी लेती हूँ। यानी कि आज तो आप बंद करके ही सुनते जाएंगे। मेरा ख्याल बंद ही करनी पड़ेगी। पिछली जो लाइन है ना, वहाँ खूबसूरत खूबसूरत खवातीन बैठी हैं, उनको देख के खोल लूंगी, आगे तो कोई हाल नहीं है वैसे। मेरी तरफ देख के गालें। आप तो मेरे पास पहलू में है ना। आपने गाना सीखा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? सुस्ती, क्योंकि गाना सीखना बहुत मुश्किल बात है, आसान बात नहीं। एक्टिंग में तो चल जाता है ना कि कोई नहीं, अच्छी है बुरी है, गुजारा है, ठीक है, चलो भी कर लो, भी बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बड़े बड़े बुरे एक्टर चल रहे हैं, चल रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं ना, चल रहे हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और फिर वो कभी ना कभी एक्टर बन ही जाते हैं 15-20 साल बाद। इसी तरह मतलब शायद गा गा के सिंगर बन ही जाता है। हाँ नहीं, लेकिन हम लोग बहुत घबराते हैं गाना गाते वक्त। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, फसी ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या ही बन जाएगा, गाना कैसे गाऊंगी, क्योंकि मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं। और लाइव गाना तो बाकी बहुत मुश्किल बात है, पकड़े जाता है इंसान बड़ी जगह से। वैसे मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को अच्छा गाना गाना आता है वो अक्सर डरते हैं, इसलिए उनको समझ है ना, जिनको अच्छा नहीं गाना आता वो बिल्कुल नहीं डरते, वो बेफिक्र होके इतना इतना मुश्किल गाना गाते हैं। हमारी बहुत प्यारे दोस्त हैं और उनको बहुत, नहीं नहीं वो आप लोग ही जानते हो ना, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, तो वो उनकी बेगम के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो गाना गाती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो एक्टिंग भी कर सकते हैं, गाने भी गा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास, वो कहती है कि मैं हर गाना गाऊंगी। तो उनका कोई फौत हो गया था जिनसे वो गाना सीख रही थी ना, अच्छा, मैंने कहा शायद उनकी फौतगी पे भी उन्होंने गाया, तो वो जब नहीं नहीं वो बहुत दुखी, उन्होंने मुझे कहा कि हरे फौत हो गए, लेकिन मैं आजकल वो गाना उनसे गा रही थी ना, आजकल मैं तैयार कर रही थी, कौन सा मन रे तू काहे, वो गाना जो मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत ही मशहूर क्लासिकल गाना है, वो गा रही थी, तो मैंने सोचा कि राशिद साहब जरा इस गाने पे जरा सी रोशनी डालें, मन रे तू काहे ना जी, जी तो उन्होंने तो गाए, उन्होंने कहा मैं वो गा रही थी आजकल, मैं तो हैरान रह गई, तो वो ऐसे लोग बड़ा जोर से गाना आया और वो टप्पे नहीं गा सकती मेरे ख्याल से, वो फिर इसीलिए फौत हो गए होंगे उनके उस्ताद, जब उन्होंने ये गाना गाने की कोशिश जसारत की होगी, उन्होंने कहा ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं, लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो गाना गा सकते हैं, जिनको समझ आती है वो नहीं गाते। जैसे बहुत अच्छे सिंगर को बुलाया और ऐसे जिनको जोर से गाना आया होता था, ले लिया घर में कोई गाने नहीं देता ना, ऐसे मौकों की वो तलाश में होते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते, याद है, फुल कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल लय में गा रहे हैं फुल, इसलिए मैंने तो बिल्कुल सीखना ही सीखा ही नहीं, क्योंकि आपके तो जो मरीज आते हैं जी जी कई किस्म के आते हैं, तो कैसे अमूमन क्या रवैया होता है मरीजों का, क्योंकि आप बड़ा जिक्र करती रहती है अक्सर अपनी चीजों में, अक्सर मुझे, वैसे मैं बड़ी दुआ कर रही थी जो आपने ड्रामा लिखा, वो जो वेब सीरीज हमने किया, मैंने कहा वो कोई ना देखे, वरना उसके बाद शायद फिर मरीज नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, और तरह के मरीज आएंगे मेरे ख्याल से, फिर मेरा ख्याल था फिर वही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा जो उस ड्रामे में इन्होंने मेरा दिखाया हुआ है। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि इस तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता, तो अगर आप लड़के चलाने शुरू कर ही दिए हैं तो हमें भी चला दें। मैंने कहा अब मैं फसी भाई से प्रॉपर ट्रेनिंग ले लूँ एक दफ़ा, फिर ये कारोबार मुकम्मल तौर पर फुल नहीं, बात यह है कि देखे ड्रामे तो फसी के मैंने भी बहुत किए हैं, लेकिन बहुत हदूद मेरे का, और फसी के दिल की ख्वाहिशात बहुत आती थी, तो मैं कहती नहीं फसी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा, तो मैंने रोका, लेकिन मैं कमाल माशाल्लाह अभी यही दाद दे रही।